गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग ईशा, कैसे हो आप सब? मैम गुड इवनिंग दिव्या, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मैम। गुड बढ़िया मैम, आप इवनिंग बताओ। साक्षी। ओके, ठंड कैसी है? अच्छी है? मजा आ रहा है तुम्हें? मैम बड़ी ज्यादा ठंड लग रही है आज तो। अच्छा, ठंड तो है यार, ठंड तो है। गुड मैम गुड इवनिंग मैम, इवनिंग, गुड इवनिंग सुनिधि, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका। पढ़कर आए हो सब? नहीं, पढ़कर नहीं आए तुम? अच्छा, कोई नहीं पढ़कर आए क्या? अरे कोई कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है मैम की? यस मैम। हेलो। ओके, पढ़ के कौन कौन आया है? बस तीन चार बच्चे, सुनिधि, दिव्या, मीनाक्षी और तान्या, बस। रितिका भुवनेश्वरी, तो तुम कुछ शर्म आ रही है बोलते हुए कि हाँ मैम अगर कुछ पूछ लिया मैम ने तो क्या होगा हमारा? ऐसा है क्या कुछ? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैम भी बढ़िया है। मैम बारिश हो रही है क्या किसी के वहां पे? नहीं मैम मैम, स्नो यस हो रही है। मैम, यो मैम हो रही है। हो रही है। अच्छा, तभी आज यहाँ पे धूप नहीं थी। मैम हमारे यहाँ तो बर्फ गिर रही थी आप कहाँ रहते हो? मैम, मंडी में, पर ऊपर पहाड़ी इलाकों में। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो मतलब कईयों के स्नोफॉल हो रही है और कईयों के बारिश, है ना? यस मैम, यस हमारे मैम। यहाँ पे रात को हुई थी बारिश। नहीं है, फिर तो तुम मजे कर रहे होंगे। नहीं नो मैम, ठंड लगी है। अच्छा ठीक है। कैसे सो सो के आते हैं बच्चे यार, 32 हो जाते फिर भी नहीं आते ना। चलो तब तक कोई गाना ही सुना दो यार। कोई गाना सुनाना चाहेगा? कोई नहीं गाना सुनाना चाहता? मैम हमने सुना है तो आप क्लास ही छोड़ दोगे, इतना गंदी आवाज है हमारी। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम गाओ तो सही। मैम आप ही सुना दो कोई मैं कहाँ सिंगर यार, मैं थोड़ी सिंगर हूँ। कोई तो होगा मैम, एक तो सिंगर है हाँ तो आप गा दो ना मीनाक्षी जी। मैम, मेरी आवाज नहीं है अच्छी तो फिर कोई बात नहीं, कोई और गा मैम। दो। मैं शायरी सुनाऊँ आपको एक? हाँ बिल्कुल 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 यार, अर्ज किया जाए, मैम मोटिवेशनल शायरी है ना, तो परिंदों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। परिंदों वाह को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। वाह वाह, क्या अक्सर बोलो खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। बात है यार, क्या बात है, नाइस, तालियां बजाओ यार, बहुत अच्छा बोला है उसने। तुम चैट पे यस भी तालियां थैंक यू बजा मैम। सकते हो, बहुत अच्छा। तो परिंदो,
तुम आजाद परिंदे बनोगे या नहीं बनोगे? मैम तुमने सुना, इतना और अच्छा बोला है उसने। यस मैम यस मैम, हम उसको दोबारा बोले पेश, चैट पे लिख दोबारा के भेज लास्ट। दे क्या 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 मैम, चैट पे लिख के भेज दे, हम मॉर्निंग असेंबली में बोलेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, नम्रता कर दो यार, चैट पे सेंड कर दो, सब पढ़ लेंगे एक और बार, पढ़ भी लेंगे, सेव भी कर लेंगे। इनको रट जाना चाहिए तुम्हारी तरह। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पायल मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? और कोई कुछ नहीं सुनाना चाहता, बस एक ही टैलेंटेड बच्चा है मेरी क्लास में। मैम हम तो नहीं बोलेंगे कुछ, हम तो शांत ही बढ़िया है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम क्या बोलते हैं, शादियों में जाते हो तुम? यस मैम, खाना खाने, खाना अलहमदुलिल्लाह। खाने ना, सही बोला, खाना खाने जाते हो ना? यो मैम, यस मैम, नाचते तो तुम हो नहीं होंगे, उल्टा बच्चे होंगे वहां छोटे छोटे, उनसे नचवाते होंगे, फिर कहते हो यार चलो रीले बना लेते हैं हम अपने, सब हमारे फ्रेंड वो बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स। नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं, नो मैम, खुद की रीले बना नो लेते मैम, हैं तो? कौन कौन खुद नो बनाता है रील्स, रील्स या वीडियोस बनाते हैं जो? अहो यार एंडो, इतने शरीफ कि तुम बनाते नहीं होंगे। ये देखो अमृता ने भेजा है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, जिंदगी में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनक, हुनक बोलते हैं, हुनक नहीं, हुनक क्या होता है, मैम हुनर। हुनर, र ना र रह गया, हुनर, हुनर बोलते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा है, HUNAR, ठीक है, हुनर बोलते हैं। देख रहे हो ना तुम, खामोश बंदा। तुमने वो रैबिट और टर्टल इसकी स्टोरी सुनी है? सुनी होगी, ऐसा तो है नहीं कि सुनी नहीं होगी, है ना? यो मैम कैसे उसको देखता हुआ जाता है और मतलब शांति से वो निकल जाता है और अपनी रेस पूरी करता है। तुम भी वैसे से ही हो, है ना? तुम में से काफी हैं ऐसे जो शांत रहते हैं, और तुम फिर मेरे को लास्ट में सरप्राइज करने वाले तो नहीं हो कि मैम हम तो इस क्लास में सबसे ज्यादा शांत रहते हैं और हम ही हैं वो जो आपको इतने अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कितने हैं, कितने हैं कछुए जैसे? कोई भी नहीं है, साइलेंट में अधीरे। तुम्हें पता है कछुए और उसकी स्टोरी, पता है या नहीं पता है? पता है मैम। पता है ना, तो उसमें रैबिट जी, देखो दीक्षा के लिए पता नहीं मैम, तुमने अगर हम इसलिए कछुआ, बोल रहे कि मैम कछुए कौन आपने बोला, तो हाँ कछुआ कौन बनना चाहता है? कछुआ का मतलब ये थोड़ी कि स्लो स्लो, मतलब स्लो तो चलो कई बच्चे होंगे स्लो पढ़ने में, स्लो होते हैं कुछ लिखने में, स्लो होते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, बट मतलब उसके दो, उससे हमें दो चीजें मिलती है ना, दो सबक मिलते हैं हमें। तो पहला सबक क्या होता है, पहली सबक ये है कि मतलब ठीक है, मैं छोटी सी स्टोरी सुनाई देती हूँ, है ना, तुम सुन ही रहे हो तो। खरगोश और कछुए की होती है रेस, ठीक है, क्या होती है, प्रेस। तो उनकी जब रेस होती है ना यार, वो रेस में उनकी काफी लंबी रेस होती है, उनको कभी मतलब झाड़ियों से भागना है, तो कभी उनको पानी से जाना है, कहीं मिट्टी से जाना है, ऐसे अलग अलग जगह से जाना है। तो अब रैबिट तो बहुत तेज भागता है ना, तो रैबिट ने क्या किया, रैबिट तो अपना पहुंच गया तेज भागता भागता अपनी जगह जहां पे उसको पहुंचना ना, वो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के एकदम आसपास ही था। वो कहता है कि यार अभी तो कछुआ इतनी दूर है, वो बहुत स्लो स्लो आ रहा है, ठीक है, तो मैं आराम से विश्राम कर लेता हूँ। तो वो एक पेड़ के नीचे मस्त सो रहा है, और धीरे 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 वहां पे क्या होता है, कछुआ जी पहुंच जाते हैं। कछुआ जी देखते हैं, अरे ये क्या, खरगोश सो रहा है, रेस ना पूरी करके सॉरी खरगोश सो रहा है, वाह। तो अब कछुआ देखो कतई महान, ये भी नहीं कि चलो उसको उठा देता हूँ, बट अगर उसने उसको उठा दिया होता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार जाता। तो उसने क्या किया, उसको नहीं उठाया, ठीक है, और वो अपना रेस उसने जारी रखा, और फिर कौन जीता एंड में, कछुआ जीत गया। अच्छा
है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो वैसे ही, और दूसरी बात की जो इंसान साइलेंट रहता है, साइलेंस में काम करता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इससे दो सबक मिलते हैं, समझ में आया तुम्हें? यो मैम तो तुम में से काफी हैं जो ऐसे साइलेंट रहते हैं, तो तुम क्या, तुम मुझे सरप्राइज करने वाले हो अच्छे मार्क्स दिखा के? ठीक मैम करेंगी। है, ओके, बस एक ही करेगा, बाकी सारे बैठेंगे यहाँ पे हैं। हाँ जी मैम, ओके फाइन। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब यार। हाँ यार, जल्दी जल्दी आ जाए करो। ओके, अनुराधा ने लिखा है, सन इज टू अलोन बट शाइन्स एवरी डे, यू टू कैन शाइन बाय बीइंग अलोन। क्या बात, शेरी साहब हैं यहाँ पे तो सारे सारे, बहुत नाइस यार, वेरी गुड अनुराधा। देखो पढ़ा तुम लोगों ने, चैट यो मैम पे जाओ और देखो जरा। यस गुड, क्या बात है। चलो कभी कभी ऐसे एक्टिविटीज होने चाहिए ना, नहीं तो पढ़ाई तो चलो रोज ही होती है, नहीं होती है? तुम अगले हफ्ते, चलो तुम्हारे पास कल तो नहीं, परसों भी नहीं, अगले हफ्ते कुछ अपना टैलेंट लेकर आओगे। तुम गिटार बजा सकते हो यार, तुम्हें अगर गिटार आता है, तबला आता है, बर्तन बजाने आते हैं, कुछ भी करना आता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो 5 मिनट का एक छोटा सा एक्सरसाइज रखेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो यस मैम यस मैम यस मैम ओके। कईयों को अगर, हाँ नॉवेल्स मैम एक पढ़, बात पूछूं। हाँ पूछो पूछो, म्यूट करके चले गए। आपका टैलेंट क्या है? मेरा टैलेंट बहुत सारा है, बहुत कुछ है, बहुत बहुत सारी चीजों में है। तो अब मैं यहाँ पे पेश करूंगी, पहले मैं तुम्हारा देखूंगी सबका, उसके बाद ठीक है? यस मैम ठीक है, तो हम, चलो मैं सुना ही देती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मैम ने एक राइटिंग लिखी है, ठीक है, टाइम हो गया वैसे बहुत ज्यादा, रुको कहाँ पे है यार, तब तक तो कोई और लिख दो, कोई एक तो लिखो। ओके, सो मैंने लिखा है, आई एम ऑल्सो अ राइटर, ओके। सो मैंने लिखा है, वेक अप, इट्स अ न्यू मॉर्निंग, अ न्यू डे विद अ न्यू चैलेंज, अ पॉजिटिव थॉट दैट वी मस्ट एडमायर, द जर्नी ऑफ लाइफ इज टू शॉर्ट, बट हॉप इनटू दैट बोट व्हिच इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी सो एज टू कीप द लाइफ गोइंग। थैंक यू। वेरी नाइस आपने मैम। बड़ा अच्छा था, हाँ थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैम भी कभी कभी लिख देते हैं, लिखने का शौक है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। ओके, अनुराधा ने एक और लिखा है, सो दिस इज नाउ लास्ट। ओके, आई प्रेफर साइलेंस बट आई हेट ड्रामा। ओके गुड नाइस, ड्रामा किसको ही पसंद है ना, पर हम ड्रामा करने में सबसे आगे हैं। ओके चलो ठीक है, फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। ओके, अब मेरे को बताओ कि कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है, सबको सब समझ में आ गया? तो फिर क्वेश्चन करें, लिवर वाला पार्ट समझ में आ गया था सभी को? मैम रिपीट कर देना। रिपीट कर देती हूँ, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लें, है यो ना? मैम कल हमने सलाइवा कर लिया था, ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सलाइवा हमने कहाँ कहाँ पे देखा था। चलो साथ में करो सारे, फर्स्ट टू फिंगर्स उठाओ अपने, ये वाले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी, बट ये दो फिंगर्स आपका फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, ठीक है, कर लिया? चलें, सारे अनम्यूट करो, यो अनम्यूट करो। मैम चलो वैसे भी शाम के टाइम में तुम्हें आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब अपना जो ये दो फिंगर्स है कान के नीचे रख के बोलोगे, पेरोटियल, हेलो, ये पेरोटियल मैम ग्लैंड, ठीक है, पेरोटियल ग्लैंड, हाँ ये पेरोटियल शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अगेन वन टाइम, ग्लैंड्स पेरोटियल ग्लैंड, पेरोटियल ग्लैंड, ग्लैंड्स वेरी गुड। कहाँ पे है ये?
हमारी ईयर के पास वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ईयर के पास है ना। चलो अब दूसरा पढ़ लेते हैं, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ पे। तो दोनों फिंगर्स लो दोनों हाथ के और ऐसे करो और बोलो सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये ग्लैंड्स तुम्हारी जॉ लाइन आ गई ना, तो सब मैंडिबुलर आपको कहाँ दिखाई देगा बच्चे? यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है आपका, जॉ लाइन दिख रही है ना, इसको हम क्या देते हैं? सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल कहाँ आ जाता है? लिंगुअल यार, इंग्लिश में लिंगुअल, लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेज, जैसे कि आप लैंग्वेजेस यूज करते हो, आप कहाँ से बोलते हो? वेरी गुड, लिंगुअल। यस, सब लिंगुअल यानी थर्ड वाला जो आपका मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, वो बच्चे कहाँ प्रेजेंट होगा? टंग के पास, ठीक है, यहाँ पे। ओके, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ओके, समझ में आ गया? तो कल ये तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड हमने किए थे, पेरोटियल कान के पास, सब मैंडिबुलर जॉ लाइन के पास, सब लिंगुअल टंग के पास, ठीक है। ओके चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबोकन सिक्रीट्स एंटी बैक्टीरियल लाइजोसोम? फटाफट से मुझे चार्ट पे बताओ। चलो चक दे फटे लपती जल्दी जल्दी। डन। क्या बात है यार, मेरे बच्चे हो गए हैं पढ़ाकू। वाओ, दैट्स अमेजिंग, गुड जॉब। यस, इट इज पेन इटसेल्फ। तो आप क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहाँ देखेंगे? यहाँ पे हमने कल किया था ना, कहाँ चला गया वो? घूम गया। लेटेस्ट एक मिनट एक मिनट, ये रहा, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये क्या, दो विलाइज के बीच में जो स्पेस है या नहीं है स्पेस? दो मेरे फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं आपको मैम बीच में जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ, अच्छा, क्रिप्ट ऑफ पेनेथल, वेरी गुड। क्रिप्ट ऑफ लिबर्गन, वहां पे नीचे आपके पेनेथल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके चलो अब चलते हैं, लिवर से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था यार, जो लिवर है वो हमारा जो ये ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और हेवीएस्ट होता है। इसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है बच्चे? रेड। रेड तो आप देख सकते हो, जो आपके रेड लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, ये ऐसा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उसके राइट हैंड साइड पे, इधर सॉरी, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हार्ट प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे क्या प्रेजेंट है? शाबाश, लिवर, ठीक है। लिवर फर्दर दो लोब्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या देते हैं? लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। राइट लोब थोड़ा ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली टू द लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा सा है। अब जो इसके ऊपर आपको एक येलो कलर की लाइनिंग मैंने बनाई है बच्चे, ये एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, पर ये शाइन करते, मतलब शाइनी ट्रांसपेरेंटेशन कहते हैं। इसके ऊपर ये जो शाइनी शाइनी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल है क्या? ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं उसको कवर कर देने का काम करती हैं, और यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगी, लिवर के अंदर चली जाएगी। सोचो, ये कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कनेक्टिव टिश्यू और ये है लिवर, लिवर ने ऐसी शेप बना ली है ना, तो लिवर के अंदर चला गया और वहां जाके उसने हेक्सागोनल शेप यानी ऐसे शेप में कंपार्टमेंट्स बनानी शुरू कर दी, ब्रेक डाउन कर लिया उसने हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स। ऐसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोल देते हैं? हेपेटिक वेरी गुड, शाबाश शाबाश, समझ में आ गया। लोब्यूल्स तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं बच्चे, ये स्ट्रक्चर और ये फंक्शनल यूनिट है, ऑलराइट, लिवर में। ओके, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है कि मैम समझ में आया तो फटाफट से बताओ। चलें आगे, बना लिया होगा, ये तो कल कर लिया था हमने। फिर मैंने आपको ये समझाया था कल, राइट, पूरा तो नहीं समझाया था, बट चलो अब कर लेते हैं इसको।
हेक्सागनल शेप बना रहे हैं। क्यों हेक्सागनल शेप बना रहे हैं? क्योंकि ये कंपार्टमेंट की बातें करने वाले हैं हम, है ना। सिक्स साइड्स है ना उसके, या नहीं है ना? उसके बीच में बच्चे एक वेन है, ये जो बीच में दिख रही है सेंट्रल यानी बीच में है, तो ये वेन है, ठीक है। उसके आसपास यहाँ पे ऐसे छोटे 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 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, है ना। ये सेम आपको मैम यहाँ पे ऐसे लाइंस बना रहे हैं, तो क्योंकि पूरा टाइम फिर सर्कल्स बनाने में निकल जाएगा। आप आराम से बैठ के धूप सेक के बारिश की मजे लेके आराम से गोले बनाइए बैठ के, ठीक है। तो आप करें अच्छे से। तो दिस इज बच्चे कॉर्ड्स। व्हाट आर दीज? दीज आर कॉर्ड्स, ठीक है। कौन से कॉर्ड्स? अब ये कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? हेप्टोसाइट। क्या बोल देते हैं? सॉरी, हेपेटोसाइट, नॉट हेप्टोसाइट, हेपेटोसाइट। समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। बस एक बच्चे को डाउट नहीं है, बाकी सबको समझ में आ गया। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। इसके बीच में स्पेस दिखाई दे रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यो मैम, ठीक है। इसके बीच बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, यो यो मैम, इसको हम क्या बोल देंगे? बाइल, बाइल खेनाखुली, खेनाली, खेनाली खुली, ठीक है। खोली कोली बहुत आता है यहाँ पे, केनाली कुली, बाइल केनाली कुली, ठीक है। ओके, इसके ऊपर ये ऐसे आपको कौन सा ट्रायड बताया था कल मैंने? पोर्टल। वेरी गुड, पोर्टल ट्रायड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन छोटे छोटे ट्रायड्स प्रेजेंट है। इसको भी पढ़ेंगे क्या करके? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम, ठीक है। नो मैम। अब ये स्पेसेस आपको दिखाई दे रही है कॉर्ड्स के बीच में, इसको हम बोल देते हैं बाइल केनान केनाली कुली, ठीक है। क्या बोल देते हैं? बाइल बाइल केनाली कुली, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, इसको हम और क्या कह देते हैं? ये जो इसके बीच में एक तो कॉर्ड्स के बीच में स्पेस है, एक ये रहा स्पेस, एक ये रहा स्पेस, इनको क्या कह देते थे? इनको क्या कह देते हैं हम? साइनसिस। साइनसिस यानी कि ये कुछ ऐसे स्पेस है जो सेल के अंदर होते हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? फैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कफर सेल्स होते हैं यहाँ पे, कफर सेल्स, फैट सेल्स ये रहे, और कफर सेल्स के लिए मैं कुछ और बना देती हूँ ऐसा। कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कफर सेल्स होते क्या है? मैक्रोफेजेस होते हैं। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। कौन? मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस आते कहाँ से हैं? कफर सेल्स, के यू के यू पी एफ एफ ई आर, कफर सेल्स, ठीक है। समझ में आ गए सबको? मैम, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम, ठीक है। तो आप देखो अब कहाँ पे हमारा इमेज ये रहा, ठीक है। तो देखो ये जो है ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ये रहा सेंट्रल वेन, ठीक है। सेंट्रल वेन के साथ जो दूसरी जुड़ी है वो है आपकी पोर्टल ट्रायड। इसके अंदर जो थ्री सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम इसको ट्रायड कह देते हैं। कौन कौन से? कल भी मैंने बताया था, एक है अपना आर्टरी, कौन सा आर्टरी? हेपेटिक आर्टरी। दूसरा है वेन, कौन सा वेन? हेपेटोपोर्टल वेन। फिर हमारे पास डक्ट, कौन सा डक्ट? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, ठीक है। अब यही जो आपके बीच में ये जो गोल गोल से है इसको हम कॉर्ड कह देते हैं। कॉर्ड का, कॉर्ड को क्या कह देते हैं? हेपेटोसाइट, राइट। हेपेटोसाइट कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? Yes, ma'am. अब इसके कॉर्ड के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है बाइल केनाकुली कह देते हैं, ओके। साइनस क्या हो गया? एक ओपन स्पेस है, देखो कॉर्ड्स के बीच में काफी स्पेस है, इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के बीच में काफी स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसके बीच में जो स्पेस है बच्चे इसको बोलते थे साइनसिस। फैट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये रहा बनाया फैट सेल, ये रहा कफर सेल जो मैक्रोफेजेस बनाते हैं और ये करता है फैगोसाइटोसिस, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट लिवर। समझ में आ गया?
मैम ठीक है। अब हम करेंगे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम होता क्या है यार, आप मेरे को खुद बताओ। अगर किसी ने अल्कोहल पी ली है ना, वो सब। अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको किसी को ब्लड डोनेट करना है ना, कभी ऐसा हुआ होगा, आपने कभी सुना होगा कि, या तो अगर आपने डोनेट किया तो बहुत अच्छी बात है, डोनेट किया है या नहीं किया है, या किसी से सुना होगा आपने कि अच्छा अगर आपने कल रात को मेडिसिन लिया तो आप नहीं दे सकते हो ब्लड, एटलीस्ट 24 to 48 hours का गैप होना चाहिए, क्योंकि आप जो जो आपने मेडिसिन खाई हैं वो आपके ब्लड में ऑब्वियसली दौड़ेगी दौड़ेगी। कुछ भी खाते हो आप या कुछ भी पीते हो बच्चे, वो आपके ब्लड में जाता ही जाता है। अब स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी तो जाएगा, अब ये तो है नहीं कि वो वहां से एकदम सही होके आ जाएगा, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम होता क्या है, ऑर्गन वन से ऑर्गन टू में जाता है, फिर ही जाके वो हार्ट में जाता है, ठीक है। रुक जाओ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ऑर्गन वन से ऑर्गन टू में जाएगा और ऑर्गन टू से वो जाएगा हार्ट में, देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रिंक कर ली, नहीं करना, करना मत असली में, ठीक है, या मेडिसिन ले लिया आपने, तो वो क्या होगा बच्चे, स्टमक या इंटेस्टाइन में चला जाएगा, है ना। एक ड्रंकर्ड भैया है, उन भैया ने क्या किया, उन्होंने ड्रिंक कर ली है ना, वो स्टमक में गई, स्टमक से इंटेस्टाइन में चली गई। हानिकारक होता है ड्रग, हानिकारक होता है वाइन और बियर या नहीं। यस सर, अब बेटा उसको आपने पी तो लिया, और भाई हमारे जो भैया जी थे उन्होंने पी लिया, ड्रंकर्ड भैया जी ने, ठीक है। अब स्टमक में चला गया, फिर वो इंटेस्टाइन में चला गया, बट उसको ढंग से डिटॉक्सिफाई करना है। अगर उसको उसने ढंग से डिटॉक्सिफाई नहीं किया, उसका लिवर खराब होने के चांसेस है या नहीं है। यस सर, इसको कौन ठीक करेगा, इसको हेल्प करने के लिए इनके पास दादाजी आएंगे, उनका नाम है हेपेटो पोर्टल वेन। कौन आएगा, हेपेटो पोर्टल, ठीक यस, ठीक है। और ये क्या करेगा, लिवर के पास जाके, यानी लिवर में ही जाएगा ना, ये लिवर में डिटॉक्सिफाई करेगा, शुद्धिकरण का काम करेगा। अरे भैया मैं नहीं चाहता कि मेरा लिवर खराब हो, तो हेपेटो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चला जाएगा, वहां पे इनकी क्लीनिंग होगी, और क्लीन होने के बाद बेटा ये जाएगा हार्ट में। इस पूरे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कह देते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक अब लिवर इतना, अब एक चीज तो हमें पता लग गया कि यार लिवर जो है वो पोर्टल सिस्टम करता है। अब सिर्फ लिवर पोर्टल सिस्टम ही थोड़ी करता है, वो बाइल जूस भी तो निकालता है ना, बाइल को सेक्रीट आउट करता है। चलो इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसका जो बाइल जूस है, एक सेकेंड, ओ तुम लोग ने लिख लिया ये वाला पार्ट, नहीं तुम लोग लिख नहीं रहे। लिख रहे हैं। बोलो जल्दी जल्दी, चलो इधर आ जाती हूँ मैं, एक सेकंड। ये बना, ये कर लिया था, ये समझ में आ गया सबको, मैम ओके ठीक है। तो चलो अब लिवर, यार अब ध्यान से सुनो, लिवर क्या करता है, लिवर बाइल सेक्रीट करता है। बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्ट से मत कहना मैम, नमक, नमक कहाँ से आ गया, ऑब्वियसली यार तुम्हारे खाने में तो नमक है, लेकिन बॉडी के अंदर भी तो नमक है या नहीं, नहीं है। ये तो लिवर के अपने खुद बाइल सॉल्ट होते हैं बच्चे, वो जैसे कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम एक और था, सोडियम ट्राइक टोरकोलेट, ठीक है, ये तीन है। तो ये तीनों ही बाइल सॉल्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। ये आगे, ये एक पिगमेंट बनाती है, बाइल जो है वो एक पिगमेंट बनाती है, कौन सी, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कल करवाई थी या नहीं, नहीं। बिलीरुबिन यस मैम, यस मैम, क्या करेगी, बिली, एक बिलीरुबिन होती है और एक बिली वर्डन होती है, दो होती है, ठीक है। बिली वर्डन और बिली रूबिन दोनों ही क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्प्लीन, स्प्लीन सुना है, क्या होता है स्प्लीन, तुमको स्प्लीन नहीं पता,
होमवर्क है तुम्हारा, स्प्लीन यस तुम्हें पता होना चाहिए क्या मैम। है, ठीक है? योर होमवर्क इज व्हाट इज स्प्लीन, यू विल डू दिस होमवर्क फॉर टुमारो, और मैं पूछूंगी कल स्प्लीन में क्या होता है। यार स्प्लीन में आपकी जो आरबीसी की फॉर्मेशन हुई होती है उसकी हो जाती है ब्रेक डाउन, है ना, ग्रेवयार्ड कह देते हैं स्प्लीन में। किसकी किसकी ग्रेवयार्ड बन जाती है यार, आरबीसी का जितना भी ब्रेक डाउन हुआ होता है ग्रेवयार्ड कह देते हैं इसको, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये बिलीरुबिन बनाता है, और ये क्या करता है बिली वर्डन, ये दोनों, ये और ये दोनों ही बनाता है बिली वर्डन, ठीक है? समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ, बस एक को समझ में आया, बाकियों को नहीं? बच्चे स्प्लीन के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाता है। जब ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बना देता है, ये जाता है ब्लड में, किसकी हेल्प से जाता है, लिवर की हेल्प से जाता है, बस इतना ही तो बताना है और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया या नहीं आया? तो ये सेक्रेट करता है बाइल, बाइल पिगमेंट्स होती है, बाइल में और क्या क्या होता है, वाटर होता है, और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है? और प्लस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड में जाते हैं, ब्लड से वो क्या, ब्लड से वो ब्लड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिवर, ठीक है? और इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, याद रखना ये सब पॉइंट, ओके? समझ में आ गया या नहीं? चलें आगे, ठीक है? लिवर, यार अब लिवर की बात करें तो बच्चे इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, एंजाइम का काम नहीं करता ये, बट यस लिवर में होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता? बड़ा सा मॉलिक्यूल फैट का, बड़ा सा मॉलिक्यूल फैट का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब बदल जाता है बच्चे, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल मिसेल, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब समझ में आया? अब ये क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे को, अगर मैंने एक अगर मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें मैंने, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर मैंने एक बड़ी सी चॉकलेट रखने की कोशिश करी इसके बाहर के साइज की, बट इसमें वो फिट नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगी, उसको छोटे 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 क्यूब्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके पूरे डब्बे में फिट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? यो मैम सेम वे बेटा, बड़ा वाला मॉलिक्यूल जब उसको तोड़ के छोटा हो जाना है, उसको हम कह देते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है? तो फैट, लार्ज फैट व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट्स और मिसेल्स, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज़ सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, इसीलिए। समझ में आ गया? यो मैम ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आगे, ये तो बता दिया। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो जो मेन फैक्टर होता है डाइजेशन का, आप देख सकते हो कि एंजाइम जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, है ना, चावल रोटी सब खाते हो ना आप या नहीं, स्टार्च होता है उसमें या नहीं? नहीं होता, स्टार्च होता है ना, यस मैम ठीक है? स्टार्च क्या करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन होनी जरूरी है, राइट? तो स्टार्च की ब्रेक डाउन होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं मैम, α1,4 आप देख सकते हो, दो ग्लूकोज के बीच में α1,4 है, या आप पढ़ोगे आगे वाले साइकिल्स में, आपको याद है ना आपका जो कैम साइकिल और ये सब कुछ आने वाला है उसमें आएगा आपको, ठीक है? सो टू ग्लूकोज, और वो क्या करे, दो ग्लूकोज के बीच में, ये ग्लूकोज रहा ये ग्लूकोज रहा, इन दोनों के बीच में कौन आ गया यार, α1,4 आ गया, ठीक है? और इसमें एंजाइम एमाइलेज आ गया और उसने आके इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। क्यों, डाइजेशन का काम क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डाइजेशन। सेम वे बाइल में क्या होता है, फैट के बड़े वाले ड्रॉपलेट्स टूट टूट के छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे, उसको हम इमल्सिफिकेशन कह देंगे। अब समझ में आ गया? मैम, ठीक है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइन दैट डाइजेस्ट लाइपेजेस, सॉरी, जो डाइजेस्ट करता है लिपिड को, उसको हम क्या कह देते हैं, लाइपेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो बाइल का काम क्या होता है, ये लाइपेजेस को एक्ट कर सॉरी एक्टिवेट करने का काम करता है। ओके, समझ में आ गया या नहीं तुमको यार बच्चों? ठीक है, अब चलो फटाफट से एक छोटा सा इमेज बना रहे हैं मैम। ओके, ये मुझे रेड बनाना चाहिए था। कौन है ये, कौन है जल्दी बताओ? लिवर। वेरी गुड, लिवर। ठीक है, ये है लिवर। ये क्या है पता नहीं, राइट हेपेटिक डक्ट। डक्ट क्यों बच्चे, पास पैसेज है ना, लाइन पाइप सी जा रही है, इसको हम बोल देंगे डक्ट। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी लेफ्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। यहां तक समझ में आ गया या नहीं? अब इसके नीचे बच्चे, इसमें लिवर के अंदर एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है, कौन सा है वो सबको ही पता। अब तो मैम ने बैड ब्लैडर बोल दिया तो क्या हुआ, कौन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है, स्टोर्स प्लस कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेट्स बाइल, है ना। बाइल जूस लिवर निकाल रही है, गॉल ब्लैडर क्या कर रही है, उसको स्टोर कर दे रही है, कंसंट्रेट कर दे रही है। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, अब इसने क्या किया, रुको थोड़ा सा गलत बन गया तो पैसे जाए इधर से। अब ये यहां से यहां को कनेक्ट हो गया, नीचे को चला जा रहा है ये, इसकी जो डक्ट है। बट यहाँ पे है कौन, यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है हमारे पास, वो है कौन, बताओ कौन है ये, कौन है? वेरी गुड, पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं अब। कौन सा कलर लूं? ठीक है, समझ में ओके, हाँ समझ में आ रहा है या नहीं? अरे यार ये मैम, ठीक है एक सेकेंड। अब इसकी ओपनिंग देखो, गॉल ब्लैडर से एक पैसेज आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही है? ये मैम, एक हेपेटिक डक्ट से भी एक पैसेज आ रही है, दोनों की तरफ से एक पैसेज आ रही है बेटा, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोल देते हैं, कॉमन बाइल। क्यों कॉमन यार, देखो जब आपका एक फ्रेंड, आप ये मतलब आपकी दो बेस्ट फ्रेंड्स का कोई और तीसरा दोस्त आ रहा था, उसको क्या बोल देते हैं, यार मैं इसको तो ऑलरेडी जानती हूँ, है ना, और मैं भी इसको जानती हूँ, तो ये कौन हुए, वो जो एक बंदा है ना वो आपका कौन हो गया, कॉमन फ्रेंड हो गया। वैसे ही ये क्या हो गया, आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि एक अच्छा, ये जो है ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड बाइल लेकर आता है और ये अनकंसंट्रेटेड बाइल लेकर आता है। ये अनसंट्रेटेड बॉल गॉल ब्लैडर से लेकर आएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट की तरफ, और यहाँ पे आपका जो राइट हेपेटिक डक्ट के थ्रू अनकंसंट्रेटेड लेकर आके कहाँ जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, पैंक्रियास के अंदर। कहाँ पे जाएगा, पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर। समझ में आ गया, ये पैंक्रियास दिख रही है ना, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, रोना नहीं है। डक्ट ऑफ वर्सन, डक्ट ऑफ वर्सन यानी बच्चे क्या हो गया, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ये देखो कौन है ये, चलो अब देखो ये पैनक्रियाज है ना, यहाँ पे छोटा सा आपको ये लाइन पैसेज सी दिख रही है या नहीं दिख रही है,
यस मैम, तो इसको बोल देते बेटा डक्ट ऑफ वर्सन। क्या बोल देते हैं? डक्ट ऑफ, जल्दी जल्दी पर्सन। यार, इतनी इतनी स्लो से पढ़ाई नहीं करनी हमने। इसके बाद एक और पैसेज जा रही है, यानी कि डक्ट ऑफ वर्सन से और कहां से, अपना कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू एक और पैसेज जा रही है बच्चे, ड्यूडनम की तरफ। ड्यूडनम याद है ना, ड्यूडनम जी हमारे, या नहीं भूल गए? ड्यूडनम की तरफ जा रही है, ठीक है? तो वो जब जा रही है, यस, तो वो जब जा रही है, वो क्या कर रही है? ये भी एक एक सेकेंड, ये रहा ड्यूडनम, ये रहा आपका पैसेज, यहाँ पे किसकी ओपनिंग होगी, ठीक है? तो ये जो चीज है, ये जो लाइन जा रही है, इसको हम क्या देते हैं? हपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है? और इसकी ओपनिंग बच्चे कहाँ जाके होगी? यहाँ पे एक स्पिंचर है, स्पिंचर यानी कोई डक्ट है ये, सॉरी स्पिंचर यानी कि ओपनिंग है ये, किसकी? स्पिंचर ऑफ ऑडी, ऑडी, ऑडाई भी कह देते हैं लोग, ऑडी भी कह देते हैं, तुम ऑडी बोलो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है? ऑडी याद रहेगा या नहीं रहेगा? स्पिंचर ऑफ ऑडी, ठीक है? ये रही इसकी ओपनिंग। अच्छा, एक ओपनिंग यहाँ पे भी बनाई है मैम ने, ये भी एक स्पिंचर है, ये है स्पिंचर ऑफ बॉयडन। बॉयडन, समझ में आया? ठीक है मैम, दोबारा से बता रहे हैं यार, राइट हेपेटिक डक्ट है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। राइट हेपेटिक डक्ट में अनकंसेंट्रेटेड बाइल है, गॉल ब्लैडर है उसके नीचे वाले पोर्शन में, जहां से वो कंसेंट्रेटेड बाइल लेकर आ रही है, तो कंसेंट्रेटेड बाइल यहाँ से आएगी और हेपेटिक डक्ट से अनकंसेंट्रेटेड आएगी, दोनों ही इसके थ्रू इधर चली जाएगी। कहाँ, किसके थ्रू जा रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू जाती है, स्पिंचर ऑफ बॉयडन से निकलकर डक्ट ऑफ वर्सन की तरफ तो नहीं जाती, मतलब टच करती हुई किसके थ्रू जाएगी? हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट से जाती जाती स्पिंचर ऑफ ऑडी से बाहर निकलेगी और ड्यूडेनम में चली जाएगी। समझ में आया? ये मैम, इजी था या नहीं था? ये मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने इमेज काफी अच्छे से बनाई है, तो आपको इजी हो जाएगा समझना। तो ये आपको क्या करेगा, ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर करता है आपके बाइल को कंसेंट्रेट एज वेल एज स्टोर, ठीक है? क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करने का काम करता है। समझ में आया? ये कोई मैम, डाउट है? अच्छा, कॉमन बाइल डक्ट को नो हम मैम। डक्टस कोलिडिकस भी कह देते हैं, ठीक है? और तो नहीं कुछ रहता, हाँ ये वाला, ये जो एक डक्ट है, सॉरी ये पार्ट रह गया था, ये जो डक्ट है बच्चे, इसको हम सिस्टिक डक्ट कह देते हैं बस, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को तो बताओ, चलें आगे। यस मैम। अब देखो, लिवर के हमने कुछ फंक्शंस पहले कर लिए थे, है ना? जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या क्या करता है, देखो, बाइल सेक्रीट करता है, वाटर है, बाइल सॉल्ट है, और क्या क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन? लिवर। क्या बात है, देख रहे हो, कमाल की चीजें करता है ये। तो जो आपका ग्लूकोज है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ठीक है? इसलिए हम इसको कह देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, जेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टार्ट, कुछ बिगिन होना, कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया या नहीं? मैम ग्लाइकोजेन से अगर ग्लूकोज बन जाए बच्चे, उसको हम बोल देते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन हो गया। ओके, समझ में आया या नहीं? क्या मैम आपका जो लैक्टिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते हैं, ये भी क्या करेंगे, कन्वर्ट होके ग्लूकोज में बदल जाएंगे, और इसको भी हम बोल देंगे ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है? ये ग्लाइको, ग्लूकोज से ग्लाइको इज ग्लाइकोजेनेसिस, और बाकी जो मैंने अभी बताया, कौन सा आपका, लैक्टिक एसिड, फैट्स और प्रोटीन्स, ये सब कुछ क्या करेंगे, ग्लूको, तो फर्क है उसमें, ग्लूकोजिनोलाइसिस में और ग्लूको, एक मिनट लिखा हुआ है मैंने, ये रहा ग्लूको जेनेसिस, ग्लाइको जीनोलाइसिस, ग्लाइको जेनेसिस, तो फर्क याद रखना ये, ठीक है? समझ में आया? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस,
लैक्टिक एसिड फैट और प्रोटीन से बनने का ग्लूकोज, एंड इसको हम बोल देंगे ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, और इसमें क्या करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मैंने पहले बता दिया पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ब्लड प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ऑब्वियसली आरबीसी की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है, बिलीरुबिन, बिलीवॉलिन, एंजियोटेंसिनोजन फॉर्मेशन, विटामिन ए की फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस इन एम्ब्रियो। एरिथ्रोपोइसिस क्या थी, कल बताई थी मैंने। आरबीसी वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। एरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी की फॉर्मेशन, इमेच्योर आरबीसी, न्यूक्लियस होता है, विटामिन B12 आ जाती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, न्यूक्लियस निकल जाता है और हीमोग्लोबिन आ जाता है। समझ में आया, याद आया कुछ या नहीं आया? ये मैम आयरन की भी स्टोरेज रहती है लिवर के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी खिलवाड़ नहीं करना लिवर के साथ। समझ में आ गया? मैम तो ये था सब कुछ यार लिवर के बारे में। अब मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो फटाफट से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज है हमारे पास दो टाइप के। ठीक है, एक देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं हेटरोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन में जैसे आपका एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन में डक्ट्स होते हैं, 99% ये एसिनिक होता है, यानी कि सैक लाइक कैविटीज प्रेजेंट होती है और ये एंजाइम को सेक्रीट करता है। एंडोक्राइन में आप देख सकते हो कि इसमें आइलेट्स ऑफ लेंगर्स होते हैं, लेंगर हंस भी बोल देते हैं, कोई लेगर हंस बोल देता है, जो आपका मन करे आप बोल सकते हैं, बस स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। और ये 1% है और ये हॉर्मोन्स को सेक्रीट आउट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? यही नहीं, मैम यस चलो मैम एक इसका इंटीरियर पार्ट देख लेते हैं। पैनक्रियास हमने देख तो लिया कि कुछ ऐसा सा दिखता है ना, ऐसा ही सही दिखता है ना या नहीं, यही मैम ना ड्यूडनम की तरफ जा रहा है ये, ऐसा पीछे भी दिखाया ना मैम ने। यही मैम ठीक है, तो आओ जरा इसके इंटीरियर पार्ट को देख लेते हैं बच्चे। एसिनस, एसिनस अगर प्लूरल में बात करोगे एसिनस, अगर दोनों की बात करोगे एसिनी बोल देते हैं। तो ये इसके बारे में बात करते हैं पहले, एसिनस होता क्या है। एसिनस एक एंजाइम को सेक्रीट आउट करता है, कौन सी एंजाइम, पेनक्रियास, क्या और कौन सी एंजाइम करती है सेक्रीट आउट, पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, आवाज आ रही है? पीएच यही रहता है बच्चे मैम 8.6, पीएच इज 8.6। इसमें पानी भी रहता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट क्यों है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे फूड जो तुम खाते हो वो कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर है, इसीलिए जो फूड आपके स्टमक में रहता है उसको हम, एक बार जब आपके स्टमक में फूड आ जाता है उसको हम क्या बोल देते थे बताओ, मैंने बताई थी स्टमक में। वेरी गुड, क्या बात है, काइम। अब काइम को बाहर भी तो आना है, वहीं थोड़ी बैठा रहेगा, है ना। तो काइम को अपने आप को एसिडिक से एल्कलाइन में बदलना है। जब एसिड से काइम एल्कलाइन में बदल जाता है बच्चे, उसको हम बोल देते हैं काइल, यानी CHYLE। इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, अभी बस मेन चीज समझ लो कि काइल होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक क्या, नहीं? और इसमें यार जाइमोजेंस होते हैं, जाइमोजेंस। ठीक है, जाइमोजेंस क्या करते हैं, जाइमोजेंस जनरली आपके एंजाइम्स होते हैं बट ये होते हैं इनएक्टिव। याद है मैंने कहीं और भी पढ़ाया था, नहीं याद है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जीव सेल्स। हाँ वेरी गुड, क्या बात है पा, जीव सेल्स याद आया, पेप्टिक सेल्स, वहां पे जो जाइमोजेंस होते हैं ये होते हैं इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, और एक और है आपका काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीटाइडेस, पेप्टाइडेस। ठीक है, ये तीन कुछ ऐसे हैं, और भी बड़े सारे हैं, तीन जो हैं आपके ये हैं आपके कौन से, इनएक्टिव। अब जरूरी नहीं है यार सब कुछ इनएक्टिव हो तो काम कैसे चलेगा, है ना। अब कहते हैं ना आप में सारे टैलेंट्स नहीं हो सकते, है ना, कुछ टैलेंट होंगे कुछ टैलेंट्स नहीं होंगे, तो वैसे ही है। तो कुछ एंजाइम इसके इनएक्टिव है तो कुछ एक्टिव भी है। तो एक्टिव कौन कौन से, इसके पास लाइपेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लियेजेस है। न्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए का ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये करता है एंजाइम को एक्टिवेट। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा एक्टिवेट कर लेता है।
समझ में आया तुम्हें या नहीं आया? जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट करता है बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज. एक सेकेंड, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ये क्या सिक्रीट आउट करेगा बच्चे? एमिलोस्पिन, ठीक है, एमिलोलॉप्सिन भी, एमिलोप्सिन कह दो. पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, क्या करेगा? पढ़ो यार जल्दी जल्दी. स्टेप्सिन, ठीक है. न्यूक्लियस क्या करेगा? आपके न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके डीएनए, जो आरएनए है, उनको बनाएगा डीएनएज और आरएनएज. ओके, समझ में आया तुम लोग को या नहीं आया? दूसरी बात, आइल्स ऑफ लैंगरगंस देखो, जरा आ जाते डायग्राम में पीछे. ये देखो तीन दिखाई दे रहे हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा जी. अब यार जो अल्फा है, अल्फा और बीटा भाई बहन की तरह है, इनमें कनेक्शन ही बड़ा है, लड़ते रहते हैं. अल्फा कहता है मैं ब्लड शुगर बढ़ाऊंगा, बीटा कहता है मैं अल्फा मैं ब्लड शुगर कम करूंगा. अल्फा कहता है फिर मैं लड़ाई करूंगा, यार तुम क्यों, तू क्यों करेगा कम, मैं भी ज्यादा करना चाहता हूँ. इन दोनों के बीच में जाती है लड़ाई, है ना? तो आपके भाई बहन या बहन बहन के बीच में या भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है या नहीं होती है? जिसके भाई बहन नहीं है, कजिन होंगे, उनके साथ लड़ते होंगे आप, तो सडनली उसकी मम्मी भी आ जाएगी, आपकी मम्मी भी आ जाएंगी, है ना? सबकी मम्मियां साथ में आ जाती है, बेलन लेके साथ में, बेटे तो रुक जा, तेरे को मैं पहले बताती हूँ, है ना? तो वैसे ही डेल्टा भी क्या करता है, अल्फा और बेटा, बीटा दोनों को बोलते था तुम दोनों शांत से बैठ जाओ वरना मैं तुम दोनों के डंडे मारूंगी, बोल देते है ना? नहीं बोलते? यस मैम. तो ऐसे ही होता था. अब अभी भी बड़े हो गए फिर भी हमें, हमारे साथ ऐसे ही होता है. मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या होता है, ठीक है? तो आइल्स ऑफ लैंगरगंस के साथ भी यही होता है. अल्फा जी कहते हैं भैया जी हम आपको अल्फा जी देंगे ग्लूकागन, और ये क्या करेगा, ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देगा. लेकिन जो बीटा है ये ब्लड शुगर को डिक्रीज कर देगा, और ये क्या देगा, इंसुलिन. इंसुलिन और ये क्या देगा, क्या बताया था मैंने? तुम जवाब भी नहीं देते हो ना, लिख रही हूँ वो भी नहीं देते हो. नहीं आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? और डेल्टा सेल्स क्या देता है? डेल्टा सेल्स देता है सोमैटोस्टेरिन, ठीक है. ये क्या करेगा बच्चे, ये इंसुलिन और ग्लूकागन को बोल देगा कि भाई तुम दोनों टिक्के बैठ जाओ, और ये गट की सेक्रीशन को भी बंद कर देता है, ठीक है. और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा. समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम. कोई है ऐसा? मैम दोबारा समझा दो, ठीक है. तो पैनक्रियाटिक यही करता है, समझाना है दोबारा? यो मैम. अच्छा देखो, ये रहा अल्फा बच्चे, अल्फा सेल. तीन आपको ये दिखाई दे रहे ना रंग बिरंगे, येलो कलर का और पिंक कलर का और येलो कलर का, ब्लू कलर का, सॉरी. ब्लू इज योर अल्फा, जो कि ग्लूकागन को बेटा सिक्रीट करता है. जो पिंक दिख रहा है इसको बीटा सेल कह देते हैं, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है. जो येलो कलर का है ये डेल्टा सेल है बेटा, ये सोमैटोस्टेसिन को रिलीज करता है. अब अल्फा सेल और अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो गई, लड़ाई. तो हमारे डेल्टा जी ने बोला चुप होके बैठ जाओ वरना मैं तुम दोनों को मारूंगी, है ना? तो ये कर देता है इनहिबिट, यानी कि सेक्रीशन रोक देने का काम करता है. प्लस जो गट की सेक्रीशन होती है इसको भी कौन रोकता है, डेल्टा रोकता है, ठीक है. तो ग्लूका अब अल्फा क्या और क्या करता है, या गट, ये सॉरी डेल्टा, समझ में आ गया? ये मैम. ठीक है, अब अल्फा और क्या करता है, ग्लूकागन तो बनाता ही बनाता है, प्लस ये क्या करेगा, ब्लड के शुगर को इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर, ठीक है. और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, और ये क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है. बस इसका काम तो इनहिबिट करने का ही है, रोक देने का काम करता है, ठीक है. समझ आ गया? ये मैम. मैम ने लिखे हुए हैं नोट्स में, आप वहां से. ओहो सॉरी, मैंने इरेज भी कर दिया.
तो आप लिख सकते हो वहां से, ठीक है? मैम यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? मैम ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं. अब हम करेंगे डाइजेशन. तो मैंने याद है ना, हमने इंजेशन तो कर लिया. इंजेशन का काम क्या होता है कि हमने फूड का इनटेक किया, राइट, थ्रू द बक्कल कैविटी. हाँ या ना? मैंने पांच चीजें करवाई थी, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, अंदर यार एक प्रोसेस भी तो होता है. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम डाइजेशन में. डाइजेशन में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक करते हैं. करते हैं नहीं करते? रोटी खाते हो या नहीं खाते हो तुम? ये देख रहे हो आप कैसे एक इंसान यहाँ पे बना हुआ है ना, सबके पास माउथ है या नहीं है? तुमने उधारी में ले रखा है किसी से? मैं ना पक्का है ना? जरा देख लो एक बार टच करके कि यार मेरे पास मुंह है, कान है, नाक है, सब देखो है. देख लो कहीं तुमने साथ वालों से तो नहीं लिया, पड़ोसी से, आंटी मैं कल वापस कर दूंगी आपको, दो मिनट के लिए कान दे दो. है? नो मैम. तो कार्बोहाइड्रेट्स खाए बेटा आपने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर बकल कैविटी. कार्बोहाइड्रेट्स ने अब टूटना भी तो है, तो 30% जो डाइजेशन है वो आपके यहीं पर ही स्टार्ट हो जाती है, माउथ में, जहां पे आपको याद है ना, ईयर के पास, टंग के पास, जॉ लाइन के पास आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. हाँ या ना? सबमैक्सिलरी और पैरोटेनियल ग्लैंड, ठीक है. तो ये कौन हेल्प करेगा? सलाइवरी ग्लैंड करेगा, है ना. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सेक्रीट आउट सलाइवा. वेरी गुड, सलाइवा सेक्रीट आउट करता है बच्चों. तो 30% स्टार्च की डाइजेशन तो माउथ में ही हो गई. तो स्टार्च ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, पीएच है इसका 6.8 और इसने बना दिया माल्टोस सीधा आपके माउथ में. फिर ईसोफेगस में चला गया. ईसोफेगस में कोई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती है, वो जाता है क्यों, वहां पे तो कोई है ही नहीं ना डाइजेशन करने के लिए. कोई है, पढ़ा था क्या हमने? नहीं ना. नो मैम. नो मैम. है ना, बस एक अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर था, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर था, वो तो एक पैसेज है बस. वहां से वो जाएगा स्टमक में, है ना, स्टमक में वो करेगा और फिर वो क्या करेगा, वहां पे पैनक्रियास के पास जाएगा स्टार्च. ठीक है, स्टार्च जाके क्या बनाएगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज वो बनाएगा माल्टोज. ठीक है, माल्टोज बना के ये क्या करेगा, माल्टोज ने अब आगे भी तो डिवाइड होना है, तो जब माल्टोज जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, माल्टोज माल्टेज के हेल्प से ग्लूकोज बनाएगा, फिर बनाएगा सुक्रोज, सुक्रेज के हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को निकालेगा, और लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज बनाएगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. और यहाँ पे आपकी 70% डाइजेशन हो जाएगी. तो हो गया ना, 70 प्लस 30 कितना हुआ, 110, है ना, 100. Yes, so 100, यानी 100% स्टार्च की डाइजेशन हो गई आपकी पूरी. तो थोड़ी आपकी माउथ में हो जाती है, थोड़ी आपके डाइजेस्ट उसके आपके एलिमेंट्री सॉरी इंटेस्टाइन में हो जाती है. समझ में आया या नहीं? यही मैम. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बना लो इसको, जैसी बना हुआ है वैसी बना लेना. ठीक है, एक सेकेंड, चलो बना लो, जो बना रहे बना लो. अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है मुझे बतानी है, तो जाना मत, बना लो एक मिनट. ये वाला पार्ट चाहे लिख लो, मैम आपको नोट्स दे देंगे थोड़ी देर में ना. कोई डाउट है आज की क्लास से? नो मैम. समझ में आ रहा है सबको? तुम्हें सच में समझ में आ रहा है या आई मीन नो मैम यस मैम करते रहते हो? मैम आ रहा है. ठीक है, तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा इस संडे को टेस्ट है फिजिक्स का, ये मैम पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा. चलो कर दूं मैम, स्टॉप शेयरिंग कर दें. बना रहे हो क्या? यस मैम. अच्छा बना लो. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स में कैसी होती है, फिर प्रोटीन्स कैसे करता है, फिर सबके बारे में पढ़ेंगे. टेंशन ना लो. इजी लग रहा है तुम्हें अब, समझ में आ रहा है?
यस मैम ओके चलो ओके ऑल राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों.